स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज आपके लिए कुछ एक टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ अपनी जॉब बरकरार रखना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि कोरोना के बाद क्या रिसेशन होने वाला है, किस तरह से आप अपनी जॉब बचा सकते हैं, साथ के साथ अपनी जॉब पा सकते हैं आप इस कोरोना के सीजन में भी। दोस्तों यदि आप इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग से अपनी लाइफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे पहुंचाना चाहते हो तो ये वीडियो कंप्लीटली आप लोगों के लिए। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक के रिगार्डिंग मिलती रहे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कंप्लीटली इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या समस्याएं हैं जिसके कारण हमें जॉब नहीं मिल पाती, हमें क्या समस्याएं हैं जिनके कारण हमें ग्रोथ नहीं मिल पाती। समझते हैं इंडिया की सिचुएशन, अभी जो इंडिया की सिचुएशन है उसके आधार पर यदि मैं बात करूं तो 4782 इंस्टीट्यूट है, IIT और NIT को मिला दूं अगर मैं तो टोटल 4782 इंस्टीट्यूट होते हैं, जिसमें से हर साल मैं आंकड़ा बताऊं यदि RTI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है तो 16 लाख इंजीनियर होते हैं जो एनरोल करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें से 3 लाख सिविल इंजीनियर होते हैं जो ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं। फिर जाते हैं तैयारी करते हैं किसकी, गवर्नमेंट जॉब की, तो यहां पर 19,670 गवर्नमेंट जॉब्स हर साल निकल के आती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन 2,80,000, केवल एक साल का आंकड़ा है, अगले साल ये मल्टीप्लाई होने वाला है, इतना आंकड़ा भारी है तो ये करें क्या, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो केवल 20,000 लोगों को मिलने वाली है। यदि मैं बात करूं इस 3 लाख का 10% कितना होता है तो आप लोगों का आंसर होगा 30,000। क्या 30,000 मतलब 1% लोगों को नौकरी मिली? नहीं मिली, केवल 1% लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पा रही, तो ये 2,80,000 लोग जाए कहां, ये जाएंगे कहां पर, इनके पास एक सेक्टर बचता है जो कि है प्राइवेट जॉब। लोग कहते हैं हमें जॉब नहीं मिली, क्या आपने इस गवर्नमेंट जॉब के लिए तो तैयारी की थी, लेकिन क्या आपने प्राइवेट जॉब पाने के लिए तैयारी की किसी तरह की? अगर आपसे मैं कहूं आपने एग्जाम्स निकाले, अलग अलग एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग लेवल पे, आपने उनके लिए तैयारी तो की होगी कभी ना कभी, आपने कोई ना कोई बुक तो पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने इस प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी तरह की तैयारी की है? आपने कॉलेज की डिग्री तो पा ली, लेकिन अगर मैं बात करूं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जो नीड है, क्या आपने उसकी तैयारी की है? अब क्या चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना बेहद ही जरूरी है हम लोगों के लिए, अगर हमने प्रॉब्लम खत्म नहीं की तो आगे जाके प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों यहां पे सबसे पहले एक पिरामिड लेके आया हूं जो कि आपके लेवल डिसाइड कर रहा है। सबसे पहला लेवल किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी इंजीनियर जाएगा तो सबसे पहले उससे जूनियर इंजीनियर पोस्ट की जॉब मिलती है। अब जूनियर इंजीनियर मतलब साइट इंजीनियर भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन साइट इंजीनियर की जॉब पाने के लिए भी आपको एग्जीक्यूशन वर्क आना चाहिए, आपको एस्टीमेशन बनाना चाहिए, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना चाहिए, आपको क्वांटिटी सर्वे और ड्राइंग रीडिंग भी आना चाहिए, तब आपको इस कोई भी कंपनी आपको इसके लिए जॉब देगी, वरना तो आप फ्रेशर ही हैं जैसा कि अभी भी आप हो। दोस्तों आप लोग जाते हैं कंपनीज में जॉब मांगने के लिए, लेकिन फ्रेशर का टैग आप लोगों के नाम के लगा दिया जाता है उस कंपनी द्वारा, क्योंकि इसमें गलती केवल आपके, क्योंकि आपके पास एक डिग्री है जो कि आपने 4 साल में इकट्ठी की है, लेकिन आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए कभी भी मेहनत नहीं की, आपने उस जॉब में क्या चाहिए जॉब रोल आपको पता ही नहीं है। बात करता हूं सीनियर इंजीनियर के लिए, अगर सीनियर इंजीनियर आपको बनना है तो आपको ये जूनियर इंजीनियर वाला सारा रोल आना चाहिए, साथ के साथ क्वांटिटी कंट्रोल में नॉर्म्स और रेट एनालिसिस आपको कंप्लीटली आना चाहिए। यदि ये सब आपको आता है तो किसी भी कंपनी में जाकर क्लेम कीजिए ना कि मैं सीनियर इंजीनियर पोस्ट पर यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। इसके बाद क्वांटिटी सर्वेयर, अगर आपको क्वांटिटी सर्वेयर बनना है तो आपको सीनियर इंजीनियर की सारी क्वालिटी होनी चाहिए, साथ में टेंडरिंग वर्क, गवर्नमेंट बायलॉज, ये कंप्लीटली आपको आना चाहिए। बिलिंग इंजीनियर, अगर बिलिंग इंजीनियर की बात करूं तो क्वांटिटी सर्वे का तो सारा रोल आना चाहिए, साथ में बिलिंग बनाना, MB बुक, बिल बुक जो कि PWD का फॉर्म नंबर 23 होता है वो आपको कंप्लीटली फिल करना आना चाहिए। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की रोल चाहिए जो कि लास्ट रोल होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5th लेवल पर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर को रखा है, यदि प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूं तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर में, साथ के साथ इसके अलावा भी और चीजें, एक सॉफ्टवेयर MSP माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर की आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उसमें शेड्यूलिंग करना आना चाहिए, प्लानिंग करना आना चाहिए, तब आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जॉब रोल होती है, ये जॉब में हमें जरूरत पड़ने वाली स्किल्स होती है, ये कंप्लीटली हमें पता होना चाहिए, ये कंप्लीटली हमें बनाना आना चाहिए, कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में पता चलेगा आपको। आगे चलता हूं मैं और जानते हैं डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल स्किल्स बताई है वो होता क्या है एक्चुअल में वो जानते हैं। तो सबसे
पहले एस्टिमेशन। देखिए एस्टिमेशन में कंप्लीटली हम क्या सीखते हैं कि डिटेल्ड में एस्टिमेशन, कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए हमारे पास उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेलिंग निकाल दें, उस प्रोजेक्ट में कितने लगने वाली क्वांटिटीज निकाल दें, साथ में बिल ऑफ क्वांटिटी बना दें अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑफ रेट या सीपीडब्ल्यूडी डीएसआर के अकॉर्डिंग। साथ के साथ यहां पर हम रेट एनालिसिस की जब बात करते हैं तो रेट एनालिसिस में कंप्लीट हमें हर एक मटेरियल के कंप्लीट रेट पता होने चाहिए, किस तरह से हम रेट एनालिसिस करते हैं, हर एक आइटम का रेट एनालिसिस डिफरेंट होता है, वो सभी रेट एनालिसिस हमें जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। बिलिंग वर्क में हम कंप्लीटली तीन तरह का बिलिंग करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बिलिंग की बात करूं, आइटम वाइज बिलिंग की बात करूं, या स्लैब रेट बिलिंग जो कि कॉन्ट्रैक्टर का बिल होता है, वो बिलिंग वर्क में मैं कंप्लीटली सीखता हूं। इसके बाद होता है क्वांटिटी सर्वे, मतलब एस्टिमेशन में जो मैंने क्वांटिटीज निकाली है उसमें कितना मटेरियल लगने वाला है पूरे बिल्डिंग में, वो क्वांटिटी सर्वे में मैं सारा पार्ट यहां पे सीखता हूं। इसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल की यदि मैं बात करूं तो बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको कंप्लीट पूरे बिल्डिंग में लगने वाले स्ट्रक्चर मेंबर की कटिंग लेंथ निकालना आना चाहिए, उसमें लगने वाला वेट पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, जितने भी आईएस कोड यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बार बेंडिंग शेड्यूल की नॉलेज होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर सॉफ्टवेयर की भी, कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। ऑटो कैड में आपको कंप्लीटली सबमिशन ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है यदि आप सीख रहे हैं तो, सबमिशन ड्राइंग कैसे बनाते हैं, नक्शा पास कराना जिसको बोलते हैं। इसके बाद रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, देखिए इसमें कंप्लीटली हम 3D एलिवेशंस के साथ मॉडलिंग वॉक थ्रोज इजीली बनाते हैं, किसमें, रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में, ये हमारी सॉफ्टवेयर स्किल्स बढ़ाता है हमारे। साथ के साथ यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शेड्यूलिंग करते हैं। दोस्तों सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए एक कोर्स लेकर आया है जिसका नाम है अल्लादीन का चिराग, जिसमें आप सीखेंगे क्विक बिल्डिंग एस्टिमेशन, कि आप चुटकी बजाते ही जिस तरह से अल्लादीन अपने चिराग को घिस के जिनी बाहर निकालता था, उसी तरह आप यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके पूरा डिटेल्ड में एस्टिमेशन की शीट तैयार कर सकते हैं इस कोर्स में। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलने वाली है फ्री डेमो वीडियोस, आपको कंप्लीटली फ्री वीडियोस मिलेंगी, देन इसके बाद मिलेगा डाउनलोडेबल पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ रहेंगे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, देन आपको कंप्लीटली मिलेगा लाइफ टाइम एक्सेस यहां पर। इसके अलावा टाइम सेविंग क्विक एस्टिमेशन के, एस्टिमेशन में जितना टाइम लगता है आपका वो तो अलग चीज हो गया, लेकिन हम डिटेल्ड में किसी को एस्टिमेशन देना हो वो भी हम यहाँ पे टाइम सेव करके दे सकते हैं। इस कोर्स की जो कॉस्ट रखी है ओवरऑल वो है 396 रुपीज, लेकिन दोस्तों ये कोर्स आपको मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है, केवल ये संडे का ऑफर आप लोगों को दिया जा रहा है गुरुजी की तरफ से। और यहां पर इस कोर्स को 99 रुपीज का लेने के लिए आपको एक कूपन कोड लगाना है गुरुजी। गुरुजी कूपन कोड लगाते ही आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और आप इजीली वॉच कर सकते हैं यहाँ पे अपने वीडियो, और साथ में एक्सेल शीट डाउनलोड करके उसमें अपने फॉर्मूले जो हमने लगाए हुए हैं केवल आपको अपने ड्राइंग का डाटा फिलअप करना है, आप कंप्लीट बिल ऑफ क्वांटिटी यहां पर बना लेंगे। अब जानते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के बारे में। देखिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स मतलब ये वीडियो कंप्लीटली उन सभी इंजीनियर्स के लिए जो इस कोर्स में एनरोल होने वाले हैं या एनरोल हो चुके हैं, उन्हें जानना है कि कैसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मिलता है नोट्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियर्स, कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के नोट्स दिए गए हैं, सबसे पहले आपको वो रीड आउट करना है। उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल्ड एस्टिमेशन जिसमें करीबन 65 वीडियोस दी गई हैं गवर्नमेंट शेड्यूल ऑफ रेट, साथ के साथ सभी तरह के सॉफ्टवेयर यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर आपके इस कोर्स में लगेंगे वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। देन प्रोफेशनल ऑटो कैड आपको पढ़ाया जाएगा इसमें कंप्लीटली, देन बार बेंडिंग शेड्यूल जिसमें आप कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का, देन इसके बाद रेविट आर्किटेक्चर जिसमें आप 3D एलिवेशन सीखेंगे, देन इसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस ETAPS, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, बिलिंग, MSP, इफेक्टिव रेज्यूमे। देखिए इफेक्टिव रेज्यूमे मतलब आपको जितने मैंने लेवल बताए थे अभी पिरामिड बना के, वो सभी रेज्यूमे यहां पर इजीली अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर, आपको वो भी मिलने वाला है। देन इसके बाद आपको करना क्या है इस कोर्स में एनरोल होने के लिए, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके सिविल गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिससे आपको इस कोर्स में एनरोल तो होंगे, साथ में आपको सिविल इंजीनियर से रिगार्डिंग जितनी भी जॉब पोस्ट आती है वो भी आपके उसके न्यूज फीड में मिलती रहेंगी। अब चलते हैं यहां पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की, कैसे एनरोल हो कॉर्पोरेट कोर्स में। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन तो डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी फीस है 35,400 रुपए। लेकिन दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर जितने भी इंजीनियर अभी रह गए हैं इस कोर्स को लेने के लिए, आप लोगों के लिए अगेन ये 9,000 रुपीज में लेकर आए हैं हम लोग। साथ के साथ आप EMI पैटर्न पे भी यहां पर जा सकते हैं। आपको आपको इस 35,400 रुपए के कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो कॉल कीजिए 9111001234। जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे आप क्लेम कर सकते हैं अपने कोर्स को,
9000 रुपीज में जानते हैं कंप्लीटली दोस्तों इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस कोर्स में सबसे पहले आपको 2 साल का कोर्स वैलिडेशन मिलेगा, साथ के साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे जो पहले से रिकॉर्डेड है। इसके साथ आपको यहाँ पर लाइव डाउट सेशन मिलेगा, हर एक क्लास का डाउट सेशन डेली होता है, आप डेली डाउट सेशन यहाँ पर देख सकते हैं। आपके साथ यहाँ पर प्लेसमेंट असिस्टेंस ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमने सिविल गुरुजी एप्लीकेशन में न्यूज फीड के अंदर जितनी भी जॉब पोस्ट निकलती है हम वहाँ पर डेली अपडेट कराते हैं। साथ के साथ यहाँ पर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है 2 साल हो गए तो आपका साथ छूट जाएगा, यहाँ पर 2 साल के बाद भी आप डाउट सेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। यदि आप इस फनल से गुजरना चाहते हैं, ये जो फनल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा अपना। इंटरेस्ट किस चीज का, कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद दूसरी चीज इन्वेस्ट, यदि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। अब थर्ड चीज के बारे में जानते हैं, इंप्रूव, क्या आप ये सभी डिस्कस टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है आप लोगों के लिए, जिसका रिजल्ट क्या होगा वो रिजल्ट आप लोगों को बताता हूं मैं यहां पर। एक ऐसे इंजीनियर बनेंगे जो एमएनसीज में जॉब करने लायक है, क्योंकि ये सभी टेक्निकल स्किल्स किसी भी एमएनसी जैसी कंपनीज को रिक्वायर्ड है। यदि आप दोस्तों कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिए +9191100123 और अल्लाह दिन के चिराग कोर्स में ज्वाइन होने के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप में डाउनलोड करने के बाद गुरुजी कूपन कोड आपको लगाना है और कोर्स आपको 99 रुपीज में केवल आज ही के दिन प्रोवाइड किया जा रहा है। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।